ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बिल्कुल चौकन्ना हो चुका है। थोड़ी सी भी चूक न रह जाए इसके लिए उपायुक्त सोलन हर छोटी बड़ी गतिविधि पर खुद नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अन्य विभागों को भी हर समय अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। विभिन्न टीमें बाहर से आने वाले लोगों का आंकड़ा एकत्र कर रही है और उन पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। भीड़भाड़ शहर में एकत्र न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल चौकन्ना हो चुका है। थोड़ी सी भी चूक न रह जाए इसके लिए उपायुक्त सोलन हर छोटी बड़ी गतिविधि पर खुद नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अन्य विभागों को भी हर समय अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। विभिन्न टीमें बाहर से आने वाले लोगों का आंकड़ा एकत्रित कर रही है और उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। भीड़भाड़ शहर में एकत्र न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की बाजारों में कालाबाजारी न हो इसको लेकर भी टीमें गठित कर दी गई है, जो बाजारों में जाकर छापेमारी कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि कोरोना वायरस का असर सोलन में न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं, जिसके चलते मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा में आम जनता के जाने पर मनाही कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वे अपने घरों में ही रहे और अगर कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है तो ही घर से निकले। उन्होंने कहा कि कई शहरवासियों ने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए अपने विवाह के आयोजन को टाल दिया है और कुछ लोग बिना किसी विवाह समारोह के ही विवाह करने को तैयार हो चुके हैं। जिला प्रशासन लोगों से आग्रह करता है कि वह किसी भी तरह के समारोह न आयोजित करें और न ही किसी में हिस्सा लें। जिला प्रशासन द्वारा अभी सारी एडवाइजरी हमने जारी कर दी है सभी लोगों के सूचनार्थ, जिसमें सबसे प्रथम मेरा आग्रह लोगों से यही रहा है कि आप अगले 14 दिनों तक कम से कम घरों से ना निकलें। बहुत ही जरूरी हो तभी निकले, और कंटेजियस डिजीज है। आप बाजार में किसके कंटेक्ट में आते हो, कहाँ से आपको वायरस की इन्फेक्शन होगी, इसका कोई पता नहीं है। और 14 दिन में तो इसका एक लाइलाज बीमारी है, तो इसमें बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। अभी हमने ये कि धार्मिक सारे संस्थान बंद कर दिए हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उसमें हमने वहाँ के जो प्रभारी थे, चाहे इमाम है चाहे पुजारी, उन्होंने भी इसका एक स्वीकार रोकती की है कि ये आवश्यक है। उन्होंने स्वतः ये